हेलो फ्रेंड, नमस्कार और आदाब दोस्तों। हमारे इस टी न्यूज चैनल पर सभी पल्स निवेशक साथियों का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज आपके लिए एक लेटेस्ट न्यूज लेकर आए हैं, लेकिन दोस्तों आपको एक डाउट पहले मैं खत्म कर देता हूं, वो ये है कि ये न्यूज केवल छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए है, जो कि भास्कर न्यूज नेटवर्क ने अपने अखबार में दी है। धमतरी जो छत्तीसगढ़ की कोई एक जगह है, उसके बारे में कहा गया है कि पीएसएल लिमिटेड के निवेशकों से निवेश की गई राशि की वापसी के लिए अब ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। 1 मार्च से आवेदन लिए जा रहे थे, जिनकी अंतिम तिथि 30 अप्रैल थी। 30 अप्रैल तक जिले में सिर्फ 2300 यानी के 2300 लोगों के ही फार्म जमा हो गए थे, जबकि पीएसएल के जिले में लगभग 1 लाख से अधिक निवेशक हैं। तो दोस्तों, 1 लाख से अधिक निवेशकों में कुल 2300 ही आवेदन अभी तक सबमिट हो पाए थे। सर्वे समस्या के कारण निवेशकों को फार्म जमा करने के लिए रोज जनपद पंचायतों के चक्कर लगाने पड़ रहे हैं। सर्वे समस्या में अब तक सुधार नहीं हो पाया है। ऑनलाइन आवेदन की तिथि 31 अप्रैल तक बढ़ाने से निवेशकों में खुशी है। अब निवेशकों को आवेदन करने के लिए 90 दिन का समय और मिल गया है। निवेशकों के लिए जनपद पंचायत में निशुल्क व्यवस्था की गई है। निवेशक वेबसाइट http://pulserefund.com/in पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ अभिकर्ता एवं उपभोक्ता संघ के प्रदेश अध्यक्ष गगन कुमकार ने बताया कि 31 मार्च से आवेदन लेने की प्रक्रिया शुरू हुई है। सभी निवेशकों के फॉर्म जमा नहीं होने से निवेशकों में नाराजगी थी, इस कारण संघ ने शासन प्रशासन से तिथि बढ़ाने की मांग की थी। निवेशक अब संपूर्ण दस्तावेज के साथ फॉर्म जमा कर सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये बार दैनिक भास्कर से ये न्यूज हमें मिली है। तो दोस्तों, ये न्यूज केवल छत्तीसगढ़ के निवेशकों के लिए दैनिक भास्कर देता है। तो दोस्तों, जब हम भी कोई न्यूज देते हैं दैनिक भास्कर की, तो वो छत्तीसगढ़ की ही न्यूज ज्यादा देता है। तो दोस्तों, हमारे जितने भी निवेशक हैं, वो हमसे यही कहते हैं कि हमारे राज्य में ये व्यवस्था कब होगी, यानी के फ्री ऑनलाइन भरने के जो जिला पंचायतों में ऑफिस खुले हैं, वे हमारे राज्य में कब खुलेंगे। तो दोस्तों, मैं आपको एक बार फिर स्पष्ट रूप से बता देना चाहता हूं कि दोस्तों, ये केवल इन्हीं 2-3 राज्यों में ही ये प्रक्रिया शुरू की गई है, ऑनलाइन फ्री आवेदन भरने की जिला स्तर पंचायतों में। बाकी के जितने भी हमारे स्टेट है, यानी कि इन 3 राज्यों को छोड़कर और जितने भी स्टेट हैं, उनमें ये सेवा नहीं दी गई। तो दोस्तों, वो हमसे पूछते हैं कि ये कब हमारे यूपी में कब होगी, हमारे बिहार में कब होगी, तो इस तरीके से पूछते हैं। तो हम उनसे कहते हैं, भाई जहाँ पर कांग्रेस की इस वक्त सरकार है, ये केवल उन्होंने ही अपने स्तर पर ये ऑफिस खुलवाए हैं, ना कि पूरे इंडिया में। क्योंकि दोस्तों, जहाँ पर ये ऑफिस खुले रहे हैं, वहाँ पर भी समस्याएं कितनी आ रही हैं। मेन बात यही थी आप लोगों को बताने के लिए कि 1 लाख से भी ज्यादा धमतरी के निवेशकों में से कुल 2300 ही आवेदन भरे गए हैं। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है कि या तो कुछ लोगों ने भरे नहीं, या कुछ लोगों के बॉन्ड गुम हो गए, या कोई समस्या ऐसी है जो इतने कम लोगों ने ये फार्म भरे हैं। अब देखना यह है कि आगे कोई कितने फार्म और भरे जाते हैं। दोस्तों, अगर 100-200 और फार्म भरे भी गए तो इसकी संख्या 3000 हो सकती है। बाकी के 70,000 निवेशकों का तो पैसा सेबी के पेट में गया, और ये सेबी के ही क्यों, ये सभी जितने भी इस चिटफंड घोटाले में लगे हुए हैं, तो उन सब के ही पास जाएगा, चाहे वो मौजूदा सरकार हो या कोई भी हो। तो दोस्तों, कहने का मतलब ये है हमारा कि कोई भी ऐसी न्यूज हम देते हैं तो बिल्कुल जैन देते हैं। दोस्तों, हम पे शक ना करा करें। तो दोस्तों, ये हमारी वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में शेयर करना ना भूले। तो दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। इसी के साथ यूएस खान लेता है इजाजत। धन्यवाद। जय हिंद।